Hello dear students, assalamu alaikum. I am your maths teacher. So from countdown 5, today we will study page number 15. As already we have done up to question number 10, we have done. So today we will start question number 11. So question number 11, that is about multiplication, but we have to write them vertically first and then we will multiply. सो द फर्स्ट ए पार्ट 291 200 मल्टीप्लाई 31, तो इसको हम वर्टिकली पहले लिखेंगे. सो दिस इज आई हैव डन फॉर यू. सो 291 200 मल्टीप्लाई 31, सो इसको हमने ये वर्टिकली लिखा है. ये वर्टिकली लिखने का मेथड है. तो सिमिलरली इसको आपने पहले 9 को सबके साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करना है. 9 0 ज़ा 0, 9 0 ज़ा 0, 9 2 ज़ा 18, 1 कैरी, 9 1 ज़ा 9 प्लस 10, 110, सो देन 1 कैरी, 9 9 81 प्लस क्या था, 9 9 81, ठीक है, 8 कैरी, 9 2 18 प्लस 26, ठीक है. इस तरह से आपने फिर 3 को, तो ये एक ज़ीरो हम जो है वो उसका, क्योंकि 3 जो है वो टेंस प्लेस पे है, एक ज़ीरो हम लगा लेंगे यहाँ पे. और यहाँ से हम शुरू करेंगे. 3 0 ज़ा 0, 3 0 ज़ा 0, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27 एंड 3 टू द 6 प्लस 2 8. इनको ऐड कर लेंगे आप तो ये आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है जी, इसको आपने अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है. ये दीज क्वेश्चंस आर नॉट इजी, सो यू हैव टू गिव टाइम एंड प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन, राइट. सो सिमिलरली डी पार्ट भी मैंने आपके लिए किया है. यहाँ पे ये डी पार्ट 205, ठीक है, 109 मल्टीप्लाई 35. तो ये डी पार्ट आप देख सकते हैं, तो इसको आप देख के तो खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं. तो इसमें यूनिट टेंस 100 प्लेस तक है. यहाँ पे हमने ये लगाया है 100 प्लेस, ठीक है, ये आप देख सकते हैं. तो इसी तरह से आप देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट परफॉर्म द फॉलोइंग डिवीजन. आगे डिवीजन मेथड है, ठीक है जी. तो डिवीजन मेथड में ये दिया गया पार्ट ए हमने आपके लिए किया है, इसको आप देख सकते हैं. 24 जो है डिवाइज़र है, और ये अंदर जो है डिवीजन के, ये डिविडेंड इसको कहते हैं. तो इनको आप डिवाइड करते हैं मुख्तलिफ नंबर्स के साथ, तो जो उसका रिमाइंडर बचता है वो हम एंड में लिख देते हैं. तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको टेबल्स आने चाहिए. टेबल्स आपको आते होंगे, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस. ए पार्ट हमने इसका किया हुआ है, राइट. और फिर हमने इसका एफ़ पार्ट भी किया है. एफ़ पार्ट भी आप देख सकते हैं. तो इसके लिए ज़रूरी है कि साइड पे आपने रफ़ लाइन जो है वो ड्रॉ कर रहनी है. रफ़ कॉलम लाजमी बनाएं ताकि आप जो रफ़ वर्क है वो साइड पे उस पर कर सकें. तो रफ़ वर्क साइड पे आप जब एग्ज़ाम देते हैं तो रफ़ कॉलम लाजमी बनाएं ताकि टीचर को पता चले कि आपने खुद से रफ़ वर्क करके ये सॉल्व किए हैं क्वेश्चन, ठीक है. तो इसको आप देख सकते हैं, बाद में इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. सिमिलरली डी पार्ट भी हमने किया आपके लिए, इसका डी पार्ट डिवीजन का डी पार्ट 485 वाला, ये भी आप देख सकते हैं. इसको खुद से प्रैक्टिस करें, देख के एक दफ़ा देख के कर लें, फिर खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश करें. देन नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 13, दैट इज़ आल्सो अबाउट डिवीजन. डिवीजन है तो इसका ए पार्ट हमने किया आपके लिए, इसको आप देख सकते हैं, ठीक है जी. 38 के साथ डिवाइड करना है और इसका रिमाइंडर बचता है. जो आंसर होता है क्वेश्चन में वो लिखते हैं आप, क्वेश्चन होता है आपका वो, राइट. इस तरह से सी पार्ट भी हमने किया है 13 का आपके लिए, ठीक है जी. और इस तरह से एफ़ पार्ट भी हमने किया है क्वेश्चन नंबर 13 का आपके लिए, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है. रफ़ कॉलम बनाना आपने भूलना नहीं है. रफ़ कॉलम के साथ आपको फिर अच्छी तरह समझ आएगी कौन सा नंबर को किस तरह से मल्टीप्लाई करना है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. सो वी विल सी यू विद द वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन पेज 16 नेक्स्ट टाइम. थैंक यू.